नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि अपने व्हाट्सएप का जो चैट का बैकअप है वो कैसे लेते हैं गूगल ड्राइव पर। आपको पता ही होगा व्हाट्सएप और गूगल ड्राइव में कोलैबोरेशन हुआ है कि जो व्हाट्सएप का बैकअप है उसकी जो स्पेस होगी वो गूगल ड्राइव पर जो है काउंट नहीं की जाएगी। तो आइए दोस्तों इसे शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे लेना है व्हाट्सएप के जो चैट का बैकअप है अपने गूगल ड्राइव पर। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपनी व्हाट्सएप की विंडो जब ओपन हो जाती है उसकी राइट साइड पर ये 3 डॉट दिए होंगे, इन 3 डॉट पर टैप करना होगा। टैप करते मेरे पास ये मेन्यू ओपन होगा, मेन्यू में से मेरे को सेटिंग पर टैप करना होगा। अब मेरी सेटिंग जो है वो ओपन हो गई है, तो इसमें से क्या करना होगा, मेरे को चैट के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे मैंने चैट्स के ऊपर क्लिक किया तो नीचे मेरा चैट बैकअप की ऑप्शन आएगी, सेकंड लास्ट ऑप्शन है चैट बैकअप। चैट बैकअप पे मेरे को टैप करना होगा। अब यहाँ पे ये मेरे को बता रहा है कि मेरे को गूगल ड्राइव पे कभी भी मैंने बैकअप नहीं लिया, लेकिन लोकल बैकअप मैंने 11:22 पर लिया है। और नीचे गूगल ड्राइव की सेटिंग्स है, जो नीचे ये सेटिंग है इनमें बता रहा है कि मेरे को कैसे बैकअप लेना है। जैसे मैंने डेली बैकअप लेना है, वीकली, मंथली, या जैसे भी बैकअप लेना चाहता हूँ वैसे ही। अब बैकअप जो है मैं वाईफाई पे लेना चाहता हूँ, या वाईफाई और सेल्फ अपने मोबाइल के नेटवर्क पर लेना चाहता हूँ, तो ये दोनों ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। तो फिलहाल मैंने वाईफाई चूज़ किया है। अब मैं बैकअप पे क्लिक करता हूँ, टैप करते मेरा बैकअप जो है लोकल बैकअप शुरू हो जाएगा। ये मेरे को परसेंटेज बताता रहेगा कितनी परसेंटेज मेरा बैकअप जो है कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही ये मेरा 100% बैकअप कंप्लीट हुआ तो इसने मेरा ड्राइव पर बैकअप लेना शुरू कर दिया। अभी आपके नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है आपको कितना टाइम लगेगा। लाइक मेरा नेट काफ़ी फास्ट है, अराउंड मेरा 100 Mbps की स्पीड पे है, नेट चलता है, तो ये काफ़ी जल्दी जो है इसे अपलोड कर देगा। तो मैं ऐसे वीडियो को फिलहाल तो स्किप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी छोटा बैकअप है और ये काफ़ी जल्दी जो है बैकअप हो रहा है। तो इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल ने कर दिया है कि नवंबर मंथ से अब आपकी जो व्हाट्सएप के बैकअप की जो स्पेस है वो काउंट नहीं करेगा अपनी गूगल ड्राइव में। तो अब क्या है, अब आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, आपको लोकल बैकअप रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मोबाइल भी अपना स्विच करना है तो आप इजिली अपना बैकअप जो है ड्राइव पर रखकर, गूगल ड्राइव पर रख के अपना मोबाइल स्विच करके वहां से रिस्टोर जो है अपनी व्हाट्सएप का बैकअप वो कर सकते हो। पहले क्या होता थी प्रॉब्लम कि मैंने जैसे कि अपना रिसेंटली फोन चेंज किया तो मैंने अपना बैकअप जो था वो मैंने लोकली रखा हुआ था, पर मैंने अपना ड्राइव पे बैकअप नहीं रखा था। ड्राइव पे बैकअप ना रखने की वजह से मेरे को क्या हुआ कि मेरा जितनी भी चैट का बैकअप था, जो भी मेरी चैट चैट की हिस्ट्री थी, वो सारी की सारी नए फोन में शिफ्ट नहीं हो पाई। तो इस वजह से मेरे को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि मेरे बैकअप ना होने की वजह से मेरी पुरानी चैट सारी डिलीट हो गई, नए फोन में मेरी नए सिरे से सब कुछ हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है व्हाट्सएप का अब गूगल के साथ। तो मैं आपको रेकमेंड जरूर करूंगा कि आप जब भी आपको मौका लगे इसे बैकअप को कर लें। वैसे तो आप ऐसे कर सकते हैं कि डेली बैकअप ले लें, डेली इसकी रूटीन में बैकअप लेते रहें, रूटीन में ये अपने आप ऑटोमेटिकली जो है जब भी इसको फ्री नेटवर्क मिलेगा ये अपना अपने अपने आप ऑटोमेटिकली बैकअप जो है कर ले क्रिएट कर लेगा, और उसको ऑलरेडी अपने आप ऑटोमेटिकली जो है अपलोड भी गूगल ड्राइव पे कर देगा। तो दोस्तों ये थी सिंपल सी वीडियो यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको बता ही रहा हूँ। अब बातें करते करते आपने देखा ही होगा कि मेरा 47% हो चुका है, मेरा नेट थोड़ा सा मेरे को लगता है फर्क पड़ चुका है, इसकी वजह से जो स्पीड है काफी कम आ रही है, अदरवाइज इतना टाइम लेता नहीं है। 100 Mbps के नेट के ऊपर जो मेरा जो जितना डाटा है मेरी अपनी, अब अगर मैं कैलकुलेट करूँ कि मेरी मेमोरी की स्पीड पर डिपेंड करता है कि रीड आउट मेरी होगी स्पीड अराउंड मेरी होगी 50 से 60 Mbps की स्पीड होगी रीड की। तो राइट की स्पीड जो ड्राइव पे है वो भी मैं कैलकुलेट कर लूँ अगर वैसे रफली, तो काफ़ी अच्छी स्पीड होगी मेरी राइट की भी। तो 100 Mbps मेरे होने की वजह से मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट लगने चाहिए थे अगर मैं वैसे रफली काउंट करता हूँ, पर ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। सो एनी हाउ मैं इसके साथ आपको बता देता हूँ, मैं इसको स्किप कर देता हूँ इस पार्ट को, जैसे ही 100% होगा तो हम इसे शुरू करेंगे। तो दोस्तों अब आपने देखा कि मेरा जो गूगल ड्राइव पे बैकअप है वो कंप्लीट हो चुका है। लोकल बैकअप मेरा 11:28 पर था, गूगल ड्राइव पे मेरा बैकअप जो है 11:34 पर इसने कंप्लीट कर दिया। सो ये इजी वे था गूगल ड्राइव पे अपना व्हाट्सएप का बैकअप रखने का। तो आपने यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में देख भी सकते हो, बैकअप ऑफ योर मैसेज एंड मीडिया टू गूगल ड्राइव, यू कैन रीस्टोर देम व्हेन यू री इंस्टॉल व्हाट्सएप। सो जब भी आप अपना व्हाट्सएप री इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये ऑप्शन देगा रीस्टोर करने के, जो भी आपने बैकअप दिया होगा गूगल ड्राइव पे। तो ये इजी वे है अपना सारे के सारे चैट का बैकअप रखने का। तो मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा कि आप अपना जो है व्हाट्सएप पे बैकअप डेली के डेली लें, अगर आपने अपना बैकअप का हिस्ट्री रिकॉर्ड जरूर रखना हो तो। धन दोस्तों मेरे को उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो व्हाट्सएप का बैकअप लेने की पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
हम डेली रोजाना ही ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस जो है अपलोड करते रहते हैं। अगर आप बेल के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको हमारी जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो मैं धन्यवाद दोस्तों।